हमारा चीपा हेड ऑफिस है, चीपा हेड ऑफिस में सब मौजूद है यहाँ पर। दोस्तों उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा आज है तीसरा रोज़ा और तीसरे रोज़े पर हम मौजूद हैं चीपा बेल पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में इंतज़ाम किए गए हैं। और इस वक्त मैं टेबलों के बीच से गुजर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये टेबलें जो अभी खाली हैं और ये सब भर जाने वाली हैं। तो सामने की तरफ कुछ लोग भी मौजूद हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद रोज़ेदारों की और चीपा दस्तरखान पर अफ्तार करने के लिए मौजूद है, और जाहिर सी बात है उसको मैनेज करने के लिए लाइनें लगाना भी ज़रूरी है कि वो लाइनें लगाकर फिर उसको तरतीब से अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ फरमा करेंगे। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन नहीं बल्कि पूरी ही जगह फुल हो चुकी है और इस वक्त बैठने के लिए जगह नहीं है। तो मुझे बताइएगा आज हम चीपा की कौन से ब्रांच में खड़े हैं, कहाँ पर ये वाकया है? इस वक्त ये चीपा हेड ऑफिस में मौजूद है, चीपा हेड ऑफिस की दस्तरखान पर, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बैक साइड पे भी देखिए इस वक्त जो है ना इफ्तारी की तैयारियाँ की जा रही हैं। चीपा हेड ऑफिस के अलावा कराची के मुख्तलिफ मकाम पर भी तमाम सेंटरों पर चीपा की इफ्तारी का अहतमाम किया जा रहा है। तो बहुत सारी है, ये कितनी तादाद है, कितनी क्वान्टिटी है इसकी? ये तकरीबन हज़ारों अफराद के लिए अफ्तारी तैयार की जाती है चीपा हेड ऑफिस के किचन से हैं। इसके अलावा मज़ीद जो कराची के मुख्तलिफ मकाम पर हमारे सेंटर है चीपा के, वहाँ के लिए भी अफ्तारी का इंतजाम यहीं से किया जाता है, यहीं से तमाम तैयारियाँ की जाती हैं। और इस साल के ऊपर कितने साल बताएंगे? एक साल पर तकरीबन 8 थाल रखे होते हैं, एक लाइन के ऊपर मतलब 8 की तेल लगाई हुई, 8-8 थाल रखे हुए हैं, और उस वक्त अलहमदिल्ला ये हज़ारों थाल हैं। जी जी। तो ये किस तरह से आप लोग अरेंज कर रहे हैं, ये किसमें किसी असर उसी लोगों का हाथ है, क्या है? मुखैर हज़रात के तआवुन से ये तमाम तरह इंतजाम किए जाते हैं, मुखैर हज़रात के सपोर्ट से ये काम तमाम किए जाते हैं। और बिल्कुल चीपा साहब की हिदायत पर कि ये इस वक्त चीपा हेड ऑफिस के अंदर जो इफ्तारी का इहतमाम किया जाता है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों अल्लाह के मेहमान आते हैं रोज़ाना चीपा हेड ऑफिस पर इफ्तारी करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम आने वाले मेहमानों को इज्जत और एहतराम के साथ टेबल पर बिठाकर इफ्तारी कराई जाती है। तो कोई अंदाज़ा है कितने लोग रोज़ाना इसे अटेंड करते हैं? अंदाज़ा हज़ारों अफराद होते हैं, हज़ारों अल्लाह के मेहमान आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, कोई गिनत नहीं है। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों यहाँ पर सिलसिला जारी है, आप देख सकते हैं कि थाल जाने शुरू हो गए हैं क्योंकि रोज़े का टाइम भी हुआ चला है कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में यह चीज़ें मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और काफ़ी रंग बिरंगी, ये तो अल्लाह की सभी नेमत हैं। और साथ में चीपा साहब का यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। नहीं, यहाँ से ये गिनती है 480 है, उधर से उठा। और दोस्तों यहाँ पर जो आप अफ्तार देख रहे हैं उसकी तैयारी यहाँ पर हो रही है, और ये देखिए उनकी जान माल की हिफाजत फरमा, हमारे शहर कराची भवन का जवाहरा बना। दोस्तों रोज़ा खुल गया है और हम आज आपसे वीडियो को शेयर कर रहे हैं चीपा फाउंडेशन से,
तो आप देख सकते हैं अफ्तार का टाइम बिल्कुल हो गया है और रोज़ा बिल्कुल खुल गया है, लोगों ने बिस्मिल्लाह कर दी है। काफ़ी बड़ी तादाद, बाबा जी रोज़ा खोल लिया आपने जी? खड़े खड़े खोले है, मतलब गाड़ी वाला बोलते उधर बैठो, उधर क्या बैठा, जगह की कमी है ना, लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों अगली अपडेट तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलूंगा आप आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।